महाराष्ट्र के बुलढाणा में एक बीजेपी पार्षद द्वारा नगर परिषद के एक कर्मचारी को घर में सफाई और कपड़े धोने को मजबूर करने वाला वीडियो सामने आया है। ये कर्मचारी कौन है, कौन सी नगर परिषद में काम करता है, इन सभी सवालों के जवाब भी सामने आ चुके हैं। सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो में कपड़े धोते हुए नजर आए राकेश बहुनिया बुलढाणा जिले के खामगांव नगर परिषद में सफाई कर्मचारी के रूप में काम करते हैं और उन्हें खामगांव के सतीफेल इलाके में बीजेपी नगर सेविका पार्षद लता गरड़ के घर पर काम कराया गया। उनका कहना है कि ये सब कुछ उनसे जबरदस्ती कराया गया, जिसके लिए उन्होंने इस पूरे मामले की शिकायत अधिकारियों से की है। अब देखना ये होगा कि इस पूरे मामले में उच्च अधिकारी क्या कुछ कार्रवाई करते हैं। मैं 7 साल से नगर पालिका में सफाई कामगार हूँ। क्या बोलते, मेरे पे अत्याचार हो रहा था। मेरे को घर के कपड़े धुलाए जा रहे थे, संजू तंबुले उनको बोल रहा था, तो कर बोलते नहीं तो खड़े करूँगा, सस्पेंड करूँगा। यहाँ तक MIDC में भी ले जाते थे, वहाँ से छोड़ते थे, वहाँ से पैदल मैं घर को आता था। GS कॉलेज के मैदान में झाड़ने ले जाते थे, वहाँ से भी पैदल आता था। दरअसल 1965 के नगर पालिका परिषद अधिनियम के मुताबिक नगर परिषद के कर्मचारियों का उपयोग प्रशासनिक अधिकारी या फिर राजनीतिक अधिकारी के कार्यालय में गृह कार्य करने के लिए किया जाता था, लेकिन यहां पर तो नगर सेविका के घर में ही इस नगर परिषद के कर्मचारी को काम पर लगा दिया गया। ऐसे में देखना होगा क्या कुछ कार्रवाई होती है। महाराष्ट्र से टीम N भारत।